हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुभावली और हम इस वक्त हैं श्रीनगर में। जैसे हमने कल रात को बताया था आपको कि हम लोगों ने श्रीनगर में थक के होटल ले लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं बड़ासू के लिए। सामने आप देख रहे हैं, वहाँ से जाएंगे हम बड़ासू। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम, जो हमने रात को रूम लिया था। इससे पहले जो हम रूम लेते थे वो अच्छा तो था, बट वहाँ पर पार्किंग इशू बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने नहीं लिया इस बारी। क्योंकि अखिल और मैं आए हैं और बैग लोड की बहुत समस्या हो जाती है हम लोगों के साथ, कि बैग लोड बार बार करना होता है। मैं तो करवाती नहीं हूँ अखिल के साथ, तो अखिल ही करता है। तो ये है हमारा रूम, ये हमने लिया था 1000 रुपीज़ में। बहुत अच्छा रूम है। वैसे भैया 800 बोल रहे थे और AC के साथ 1000 रुपीज़ में दिया था। और ये है वॉशरूम, और ये है अलमीरा हमें रखने के लिए दिया था, इसमें सामान। ये हमारा बेड और हम हो गए हैं रेडी। ये पता नहीं फ़ोन में क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग कर, जल्दी उठ जा। और एंट्री हो चुकी है अखिलेंद्र चौहान की, और मैं पहन रही हूँ जैकेट और मैं कर रही हूँ डांस। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं डांस कर रही थी। अखिल बोल रहा था तू रेडी हो जा, तब तक मैं बाहर दिखा के आता हूँ। मैंने बोला मैंने दिखा दिया है, अब क्या करोगे दिखा के? बोला नहीं मैं दिखाने जाऊँगा। तो फिर मैंने बोला जाओ। चलो भाई, हम लोग अब बाइक पर बैठ गए यहाँ से, अब निकलेंगे श्रीनगर से। हम होटल वगैरह आपको दिखाई दिया यहाँ से व्यू। अभी हमारे दो सब्सक्राइबर वेट कर रहे हैं, सन 46 से उससे मिलेंगे जा करके। हम खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है, बैठो। कैंडल जी, फिर मिलेंगे आपसे। हवा तो कम नहीं है ना इनमें। हर हर महादेव। हम लोग निकल चुके हैं श्रीनगर से, होटल हमने चेकआउट कर दिया है। और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, सन एकदम फेस पे पड़ रहा है, इतनी हीट छोड़ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। हमें इतनी उम्मीद थी नहीं कि यहाँ पर इस टाइम पर इतनी गर्मी होगी, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बीच में आप यहाँ से जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में अलकनंदा रिवर दिखता है, जो बिल्कुल साइड में जा रही है। अभी यहाँ से शो नहीं हो रहा है क्योंकि बाइक चल रही है, बट आगे जाके शायद में भी शो होगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं धारी देवी टेम्पल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अभी आपको अलकनंदा रिवर शो होगी, तो ये है अलकनंदा और ये है धारी देवी मंदिर। श्रीनगर से धारी देवी का डिस्टेंस 14 to 16 किलोमीटर है, और आपको 20 मिनट्स, हार्ड टू हार्ड 20 मिनट्स लगते हैं यहाँ पर पहुँचने में। हमें भी 20 मिनट्स लगे हैं। और कहा जाता है कि जब चार धाम यात्रा चालू होती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जब चालू होता है यात्रा, तो धारी देवी के आपको दर्शन करने होते हैं। पहले दर्शन करते हैं और फिर आप कोई अपनी यात्रा को चालू करते हैं। तो हम लोग भी धारी देवी टेम्पल जाते हैं, बट इस टाइम पर नहीं जा पा रहे क्योंकि हम लोगों का केदारनाथ जाना है कल। आज हम बड़ासू पहुँचेंगे, कल हमें करना है ट्रैक, तो पॉसिबल नहीं है कि हम धारी देवी टेम्पल के दर्शन करें। बट ऊपर से हम ज़रूर हाथ जोड़ के जाते हैं, चाहे हम दर्शन ना करें पर हम ऊपर से हाथ जोड़ के ज़रूर जाते हैं। तो चलते हैं आगे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग, और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे तो वो है केदारनाथ के लिए, राइट टर्न लेंगे तो बद्रीनाथ के लिए। यहाँ पर चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, अब यहाँ पर थोड़े दिन बाद ये रेडी हो जाएगा, तो लोग यहाँ से आया करेंगे रुद्रप्रयाग से केदारनाथ। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग से आगे, और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, अलकनंदा रिवर जा रही थी लेफ्ट हैंड साइड में, बट अभी आप हल्का सा ब्लू पानी देख रहे हो, वो है मंदाकिनी नदी, जो केदारनाथ से आ रही है और रुद्रप्रयाग श्रीनगर में गंगा बन जाती है। और देखो कितना प्यारा वाटरफॉल है। ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है केदारनाथ में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुंड, जो ये लोहे का पुल दिख रहा है, यहाँ से जाएंगे हम लोग।
लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो केदारनाथ चले जाएंगे हम लोग, और स्ट्रेट जो आप रास्ता देख रहे हो बिल्कुल वो है बद्रीनाथ जाने का रास्ता, चोपटा चमोली बद्रीनाथ, तो वो रास्ता है जो स्ट्रेट जा रहा है वो है बद्रीनाथ का, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है वो है केदारनाथ का। तो हमें जाना है केदारनाथ, तो हम लेफ्ट टर्न ले लिया हमने, और ये है कुंड, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो हमें सिया का घर मिलेगा, सिया यहाँ से कुंड से पास में ही रहती है। मैं पहुँच गई हूँ सिया के पास, बहुत ज़्यादा परेशान थी, रोज़ फ़ोन कर करके पूछती थी दीदी कब आ रहे हो। अखिल निकाल रहा है इसका गिफ्ट जो मैं इसके लिए गिफ्ट लाई थी। ये सिया का होटल है जो आपको कुंड से थोड़ा सा ही ऊपर मिलता है, और ये रही सिया, इसको फोटोग्राफी करने का बहुत शौक है, ये फोटोग्राफी जब भी हम आते हैं कैमरा लेके फोटोग्राफी ज़रूर करती है। ये है सिया, इसी से मैं मिलने आई थी आपको, मैंने बताया था अभी श्रीनगर में कि हम सिया से भी मिलने जाएंगे, तो ये है सिया, सिया बताओ। सो गाइस, पिछले साल हम इसी रेस्टोरेंट में मिले थे, और फिर हम इंस्टा पे थे, हमारी बात चलती रही चलती रही, अब हम एक अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी टाइम बाद हम मिल भी रहे हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिया को गिफ्ट भी दे दिया और दीदी ने मेरे को गिफ्ट भी दिया है, दीदी थैंक यू सो मच, वेलकम, बस ऐसे ही आते रहो। फाइनली हम लोग सिया से मिल चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त काशी, और अगर आप लोग केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो आप गुप्त काशी से भी हेलीकॉप्टर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ये है कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है गुप्त काशी से, गुप्त काशी से भी हेलीकॉप्टर जाते हैं केदारनाथ मंदिर। ठंडा एकदम ठंडक, बढ़िया मज़ेदार, लौंडे नहा रहे हैं यहाँ तो, ओए 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 ओए, पानी यहाँ से अगर वो गिर जाए। और हाँ, मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट वाटरफॉल पड़ा था तो वहाँ पर एक आंटी वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे खड़ी थी, ये गलत है क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि ऊपर से कितनी तेज़ी से पानी आ सकता है या मलबा आ सकता है, सीधा आएगा तो आप दब जाएंगे, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इतना वाटरफॉल को देख के इतना एक्साइटेड ना हो। दूसरी बात, अगर आप बाइक अच्छे से चला पाते हैं तभी केदारनाथ बाइक लेके आएं, क्योंकि यहाँ की जो रोड है वो बिल्कुल नैरो है। दूसरा, यहाँ पर इतना ज़्यादा कीचड़ होता है कि आप कीचड़ में अगर गिर गए ना तो आपकी बाइक उठाने वाला कोई नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए आप जब भी आएँ बाइक अच्छे से चलाना सीखें और तब आप पहाड़ों में आएँ, क्योंकि पहाड़ों में बाइक चलाना नॉट अ ईजी। 33 सीतापुरी पार्किंग 7, रामपुर 4, बड़ासू हेलीपैड 1, सोनप्रयाग 10 किलोमीटर है यहाँ से। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट जगह बड़ासू में, तो जब भी हम लोग केदारनाथ आते हैं तो हम बड़ासू में रुकते हैं, सोनप्रयाग में नहीं रुकते हैं क्योंकि यहाँ पर है गौरव और हम हमेशा गौरव के साथ गौरव के होटल में रुकते हैं। सोनप्रयाग भी रुकते हैं लोग, बट हम लोग बड़ासू रुकते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग खुद चले जाते हैं सोनप्रयाग के लिए अपनी बाइक लेके, तो गौरव से मिलते हैं। वे क्या हाल है तेरे? नमस्कार भाई, नमस्कार। और बता दो। उतर उतर उतर, रुक जा, पहले साइड में कर दूंगा। वैसे रोड तो सब खाली पड़ी है यार यहाँ पे। रोड भी खाली पड़ी है और गर्मी भी कितनी हो रही है, श्रीनगर में तो मर गए हम, बहुत गर्मी है और यार। गुप्त काशी में भी बहुत गर्मी, तो उस लड़की से मिल के आए तो उसके यहाँ 2 घंटे से बैठे थे। क्या कह रहा है? काय के लिए ऊपर? किस चीज के लिए ऊपर है? हाँ तो और क्या। अच्छा, कोड बड़ कर देता है यहीं से ही। तू नहीं बनाता चाय? तू नहीं बनाता चाय? रख दी रजाई।
अच्छा इनने वो कर दिया ना, अब इसमें पहले बेड एक साथ ना था, इस साइड जगह होती थी खाली, अब ये इसमें ये आ गए हम गौरव के घर और ये स्टेयर पे चढ़ रहे हैं और ये देखो आजा बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा फिर। एक मिनट बंद कर रही, चलो मैं दो मिनट। हम लोग आ गए हैं छत पे, बैग वैग नीचे रख के फेस वॉश करके गौरव ने बनवा दी मैगी और हम छत पे मैगी खाते हैं। और यहाँ से हर 5 मिनट बाद हेलीकॉप्टर जाता है, बिल्कुल नीचे से जाता है यहाँ पर हेलीकॉप्टर, तभी हम छत पे आ जाते हैं। और मेरे से मैगी खाई नहीं जा रही बिल्कुल भी, मैंने बोला तुम खा लो, कर मैंने करा, मैंने दे दी, मैंने लो लो प्लीज़ खा लो, मैगी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। लोग कहते हैं पहाड़ों पे आके मैगी अच्छी लगती है, बट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मैगी। यहाँ पर शुरू हो गई है बारिश, मैं अखिल से यही बोल रही थी कि यहाँ पर इतनी गर्मी है, बारिश तो हो नहीं रही है, बट मेरे बोलने पे यहाँ पर हो गई है बारिश, बिल्कुल हो गया अंधेरा यहाँ पर। और लगभग यहाँ पर 7 बज रहे होंगे और यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और बारिश पड़ते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाती है। अब हम जा रहे हैं गौरव के होटल खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने दोपहर में ही खाया था, शाम को भी कुछ नहीं खाया, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये देखो कैसे खड़ा है, हंस रहा है, बहुत तेज भूख लग रही है बेचारे को। गौरव गौरव गौरव, ये है गौरव के पापा। और हम लोग खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद, बाय गाइज। ये है गौरव, आप लोगों को हमने हर व्लॉग में बताया है कि हम गौरव के यहाँ पर स्टे करते हैं, तो ये है बड़ासू, तो हम गौरव के पास आ रखे हैं। और जैसे हमने आपको बताया था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमें सिया मिली थी, इसके साथ हमें 4 साल हो गए हैं, 4 साल से हम केदारनाथ आ रहे हैं, तो हमें गौरव 4 साल से मिल रहा है और ये मुझे बहन मानता है, मैं इसको भाई मानती हूँ। तो हम लोग जब भी आते हैं गौरव के यहाँ पर स्टे करते हैं बड़ासू में। तो गाइज, इनसे फर्स्ट मुलाकात भाई से हुई थी मेरी, फर्स्ट टाइम मुलाकात। और इसके बाद बहन आई थी, इनको मैंने बहन बहन की तरह माना और ये हर 4 साल 4 साल आते आते हो गए इनको, और इनको मैं अपनी बहन की तरह मानता हूँ। थोड़ी सी मस्ती, अगर हमारा ब्लॉग पसंद आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव।